औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुमान में रखे, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे, अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। तो फिर रिव्यू लेके आ गया हूँ जे आर हिस्ट्री का। ये जनाब वो अब गया है जी एक जंगल में जहाँ जी दो बच्चों की आत्मा जो है ना वो भटकती है। तो वो जंगल में गया और कहता है जी ये मुझे किसी भाई ने कमेंट किया है और कहा है कि जाके भाई तू क्लियर कर। तू क्लियर करता भी है, तुझ में इतनी हिम्मत है जो क्लियर करेगा? तो तू खुद डरता है और भागता है तो तू क्लियर क्या करेगा? तो बच्चों की आत्मा का कहता है, तो बच्चों की आत्मा वो बच्चे तो तू खुद लेके आया होगा, तो वो लेके आया है और खुद ही तूने उसको उनको खड़ा किया है। तो वो बच्चे क्या तुम्हारा इंतज़ार करते रहते हैं हर वक्त? वो उधर ही बैठे रहते हैं मास्क लगाकर, सब कुछ पहनकर उधर ही बैठे रहते हैं। कुछ खुदा का खौफ कर जे आर हिस्ट्री वाले, कुछ खुदा का खौफ कर, तुझे कोई मरना नहीं याद है, मरना याद रख। तो इसकी वीडियो देखें फिर बात करते हैं। फिर से स्वागत है सभी को, पहले बड़ों को प्रणाम। सब कैसे होंगे? सब बढ़िया होंगे। तो आज एक दोबारा ऐसी लोकेशन पर आ चुका हूँ, दो बच्चों की आत्मा इसी जंगल में भटकती है। ऐसा कुछ है या नहीं है? YouTube पर इतने ज्यादा वीडियो बन रही है उस नाम से, दो बच्चों की आत्मा। तो आज मैं क्लियर करने आ चुका हूँ ऐसा कुछ है या नहीं है। किसी भाई ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, भाई तू जाके क्लियर कर क्या। तो मैं आ चुका हूँ उसी लोकेशन पर दोबारा क्लियर करने के लिए। रात को क्या टाइम आया हूँ क्योंकि मैं टाइम नहीं दिखा सकता, फोन लग रहा है कैमरामैन स्टैंड पर, तो कैमरामैन भाई चला रहा है। भाई वैसे टाइम क्या हो रहा है? रात के 12 बज रही है, क्योंकि गूगल टाइम को दिखा सकता था बट कैमरे पर स्टैंड लग रहा है वैसे। तो यहाँ कहते हैं दो बच्चों की जी। तो आपने वीडियो देखी कैसे बताता है और क्या करता है। अब अगली वीडियो में यह होगा कि उनको दो बच्चे जो उन्होंने खड़े किए हैं ना वो नज़र आएंगे। तो वो नज़र आएंगे, जब वो नज़र आएंगे वो ड्रामेबाजी करता है, इतनी जल्दी यहाँ पर ऐसे आ गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये बच्चे खुद ही इन्होंने खड़े किए हैं। क्या बच्चों को पता है कि यहाँ पर वीडियो बनाने वाला जे आर हिस्ट्री आ रहा है, तो हम पहले से ही खड़े हो जाएं? तो कुछ कदा का खौफ करो। अब तुम तो खुद बड़े होकर झूठ बोल रहे हो और अब बच्चों को भी झूठ बोलने की जो है ना वो तरकीब दे रहे हो कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जेहन जो है ना वो कोरा कागज़ होता है, कोरे कागज़ पे ना आप झूठ का मुहर लगा रहे हो और उनको भी सिखा रहे हो कि आप झूठ बोलो। और जब ये वो झूठ बोलेंगे ना, तो जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक औरत थी, उसका बेटा जो है ना वो चोरी में बड़ा हो गया, चोरी करते करते वो उस छोटी मुख्तसर सी सुनाता हूँ। तो वो जब उसको पकड़ कर सजा देने लगे तो वो कहता है जी आधी सजा मेरी माँ को देनी चाहिए। उन्होंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा, वो चोर कहने लगा कि अगर पहले दिन ही मैं एक चीज़ चोरी करके लाया था तो वो अगर मेरे मुंह पर थप्पड़ लगाती तो मैं कभी भी दूसरी बार चोरी ना करके ना लाता। उसने जब वो चीज़ रख ली मेरी माँ ने तो वो मेरा हौसला बढ़ गया, तो मैं हर बार चोरी करके ला कर उसको देता था। तो आधी सजा की हकदार वो है। तो इससे ये साबित होता है कि आप खुद ही तरकीब दे रहे हो, आप बड़े होंगे तो फिर आपसे भी यो ऐसे ही करेंगे तो फिर क्या करोगे? इनकी वीडियो देखें। हाँ भाई यहाँ पर देखा था। ये कहाँ हो? बच्चों में आपको कोई तकलीफ पहुँचाने नहीं आया, आप यहाँ क्यों बैठते हो? वो ये खड़े इतनी जल्दी यहाँ से यहाँ कैसे आ चुके? इनका फेस देख यार। और
क्यों? मैं आपको कोई तकलीफ पहुंचाने आया? आपके साथ क्या हुआ है? क्यों बैठते हो? वो यहाँ पे खड़े थे वो। हाँ यहीं देखा था मैंने। क्या कहा? ओये रे। ओये तो सच में छोटे बच्चे हैं। पता नहीं कौन हो। भाई ने मास्क लगाया मुंह पे। वाह, एक दो, वाह जी वाह। क्या काम करते हो भाई तुम? मास्क लगा के दौड़ है भाई तू? है बच्चा छोटा सा है, ये काम कर रहा तू? तुम्हारी उम्र है क्या ये काम करने वाली? ये काम करने की उम्र है तुम्हारी क्या है? पापा ही क्या नाम है तुम्हारे? फादर का नाम क्या है? फादर का नाम क्या है? भैया छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। फादर का नाम बोलो क्या तुम्हारे? ये तुम्हारे पापा ये सिखाते तुम्हें क्या? तुम्हारी उम्र है ये काम करने वाली क्या है? किसने बोला तुम्हें ये काम करने के लिए? रात को तुम ये मास्क लगा के भटक रहे हो रात के 12 बजे, कौन हो तुम? हाँ? का नाम क्या तुम्हारे? पापा का नाम क्या तुम्हारे बताओ? फादर नेम क्या है? इसने गौतम। हाँ? गौतम। और तेरे फादर का? मनीष। अलग अलग हो गए तुम? पैसे मिले तुम्हें क्या वीडियो बनाने के? हाँ? 2000 रुपए दी। किसने दिए? डूब के मर जा तू, डूब के। गाइस देख लो तुम्हारे सामने छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे। क्या उम्र है? उम्र क्या तेरी? उम्र क्या तेरी? 13 साल के बच्चे। 9 साल और 13 साल की उम्र के बच्चों से ये काम कराते हैं, भूत मनवाते हैं इनसे। और यहाँ के मेरे को देखा तो बियर की बोतल पड़ी हुई थी। तो वीडियो देखी आपने। अब वो नाम लेंगे आर के आर का, तो नाम जो है ना वो खुद ये बदनाम कर रहे हैं उस बंदे का। पता नहीं वो अच्छा है बंदा है कौन सा है, क्या है वो। बहरहाल हर किसी का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेक वीडियो आप खुद बनाते हो और आप नाम उसका लेते हो कि वो फेक वीडियो बनाता है, वो गलत करता है, वो खुद अपने भूत खड़े करता है। हालांकि ये बच्चे आपके हैं, आपने इनको झूठ की तरगीब दी है, आप इनको साथ लेके आए हो। तो क्या दुनिया पागल है, दुनिया को पता नहीं चलता? तो आप खुद बेवकूफ हो। जो किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है ना, वो इंसान खुद बेवकूफ़ होता है। तो अपने आप को ठीक करो, वीडियो बनानी है तो ठीक बनाओ, सच्ची बनाओ। तो आप उन्हीं 3-4-5-6 लोकेशनों पर घूम रहे हो और क्लियर आपसे होती नहीं है। तो जब तक आप क्लियर ना करो फिर दूसरी लोकेशन पर ना जाओ। तो आप एक उन्हीं लोकेशनों पर घूम रहे हो और वही फेक वीडियो बनाकर दिखाई जा रहे हो। तो शर्म करो, शेम यू। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी सुमान में रखे, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे, अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़।